गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम एक रैंडमली हमारा प्लान बना था ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस अभी हम सीधा निकल आए हैं। गाइस हम अभी सिंहपुर पहुंच चुके हैं, ये डबरा रोड से जाते हैं। आपने देखा होगा जैसा कि हम सीधा सीधा आ रहे थे, रास्ते का तो ब्लॉग छूट हुआ है लेकिन स्टार्टअप किया है गाइस। तो गाइस अभी इधर से हमको मालूम नहीं है किधर जाना है, हम रास्ता भूल गए समझो। हमको जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर नहीं पहुँचे, हम रास्ता भूल चुके हैं। अभी गूगल मैप बता रहा है पहाड़ों के बीच में से होकर जाना है। चलो देखते हैं उधर से क्या मिलता है हमको, चलते हैं सीधा अपनी डेस्टिनेशन की ओर। वैसे उधर से पहुंचेंगे तो इतने, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है यार, सही है ना। चलो तो चलते हैं। देखो तो बस जटांग ये देखो, ये रोड्स हैं और गूगल मैप उनको यहाँ से रास्ता बता रहा है, आगे से जगह है। और इधर से सही जहाँ भी आगे देख पा रहे होंगे यहाँ से रास्ता बता रहा है, यहाँ से निकलना है। ये देखो इस पानी के सारे चलेंगे अपन, इसी के सारे सीधा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमको आगे जाके क्या मिलता है और कितना अच्छा चीज़ मिलता है। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। ये देखो यार दूध सागर वाटरफॉल जैसा लग रहा है यार। तो ये नीचे देखो यार कितना अमेजिंग है यार, कितना अमेजिंग व्यू है यार। कुछ है नथिंग, ये देखो यार, ये देखो तो गाय साहब अब वाटरफॉल की आवाज सुन सकते हो पूरे तरीके से। गाय साहब ये बारिश की वजह से इतना चल रहा है, चालू हो गया है गाइस। अभी आप जैसा कि देख सकते हो वाटरफॉल तो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ, अभी मैं वहाँ पे नीचे जा रहा हूँ वाटरफॉल को, बिल्कुल नीचे जाने का ट्राई करता हूँ। देखना अभी गाइस पानी तो बहुत ज़्यादा है और ऊंचाई इतनी ज़्यादा है, इतनी यार बहुत ही ज़्यादा गहरा है। ये देखो गाइस यहाँ से पानी सीधा नीचे जाता है। गाइस अभी तो स्ट्रगल करके सीधा चले जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों पर। अभी देखना चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। आपके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है यार, तब जाके कहीं एक ब्लॉग शूट होता है। और आप होगी हमारी बनके की फैमिली को जल्दी से जल्दी कम्प्लीट ही नहीं करना चाहते हो। गाइस अभी हम सीधा नीचे की ओर जा रहे हैं। गाइस अभी नीचे उतरने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत नीचे है उतरने के लिए यार, काफी लंबा है रास्ता है यार। सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ बनी हैं यार गाइस, कुछ स्ट्रगल नहीं है, पूरा मज़ा खराब हो गया। तो है ना गाइस मज़ा तो
राधे राधे बोलो सारे लोग। ये देखो यार, देखो यार, ये देखो वाटरफॉल, देखो ये देखो, पूरा मैंने सीढ़ियों ने खराब कर दिया यार, किसने बना दी यहाँ पे सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ ना पूरा मैं खराब कर दूँ। आपको आ रहा हुआ राम राम, बोलो सारे मिलकर जय श्री राम। लोग आ गया मैं यार, अभी तो सीधा ऊपर आना है, 2.2x 1111। ओके हो गया गाइस, सेटअप कंप्लीट हो गया अपना। गाइस जूते चप्पल उतार दिए हैं, काफ़ी दूर उतारने पड़ते हैं। ये देखो यहाँ पे ऐसी जगह है यार, जूते चप्पल उतार के सब चीज़ समझ सकते हो। बोले वाह, महादेव तो अपन हर एक जगह मिलते हैं। चलो तो वैसे इसे पार करके सीधा चलते हैं। गाइस आप चेक कर सकते हो यार, ये पानी काफी ऊंचाई से आ रहा है, और यहाँ पे देखो कितने मतलब पीपल से काफी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, वो देखिए उसको वहाँ पर आराम से बैठे हुए है झरने के पास, कितना अमेजिंग व्यू है। ये देखिए यार, पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, लेकिन गाइस ये सीक्रेट है, डन प्लस इन ग्वालियर है, इससे एक दो ब्लॉक्स भी डले होंगे अभी हम इसमें जंगल में, थोड़ा और अंदर जाएंगे, थोड़ा और सर्चिंग करेंगे, शायद हमको कुछ और मिल जाए यहाँ पर। ये देखिए अभी यहाँ पर म्यूजिक भी चालू हो चुका है, इस झरने की वजह से मेरा ज़्यादा साउंड आप सुन नहीं पा रहे होंगे, मेरी ज़्यादा वॉइस आप तक नहीं पहुँच पा रही होगी गैस, तो उसके लिए सॉरी, उसे इग्नोर करना गैस। अभी आप इस व्यू को चेक करो यार, कितना अमेजिंग, कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पर। ये देखो आसपास गाइस, अभी आप देख सकते हो मैं अभी काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, और मैं अभी यहाँ से शॉट ले रहा हूँ। ये देखिए गाइस, अभी यहाँ पर काफ़ी मतलब टूरिस्ट भी बैठे हैं, और ये देखिए नीचे का कुछ इस प्रकार का व्यू है। यहाँ पर आने जाने वाले लोग नहाते हैं, और ये देखिए पानी काफ़ी ऊपर से आ रहा है, अभी वर्षा नहीं हुई है, उसके कारण यहाँ पर बाहर बहुत कम पानी है, लेकिन गाइस जब वर्षा होती है ना तो यहाँ पर भारी ताबड़तोड़ पानी गिरता है गाइस, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी गिरता है, फिर शायद कोई नहीं नहा सकता है यहाँ पर। तो फिर इतना अभी हम आगे और जाते हैं और चेक करते हैं, उसमें एक दो मछलियाँ भी हैं। ये देखो उस साइड पर पानी, उस साइड भी है काफ़ी ज़्यादा पानी उस साइड, ऐसे बोल ही नहीं पा रहा। ये देखिए गैस, पानी यहाँ से भी गिरता है गैस बरसात के टाइम पर, गैस बहुत ही ऊँचा है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना अमेजिंग वाटर भरा हुआ है, उस साइड देखो वो झरना चल ही रहा है पूरा, उस साइड हम आते जाओ। और अभी हम इधर अंदर और एक्सप्लोर करने जाने वाले हैं, अंदर और देखते हैं हमको और क्या मिलता है गैस। ये ब्लॉग गैस का लंबा हो सकता है गैस थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो गाइस चलिए बने रहिए आप हमारे साथ इस ब्लॉग में और एंजॉय कीजिए। वाटरफॉल तो हमने देख ही लिया, अभी हम आगे आपको दिखाते हैं और हमको क्या मिलता है, बने रहिए आप अभी हमारे साथ। गाइस रेडी फॉर एडवेंचर्स, देख लीजिए गाइस यार काफ़ी खतरनाक रास्ता है यार, यहाँ से उतर के जाना पड़ेगा, नीचे जाना है गाइस यहाँ से, आप समझ ही सकते हो गाइस। आज ना एडवेंचर्स का ताबड़ तोड़ होंगे गाइस, अभी आप देखना गाइस, देख सकते मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ से सीधा नीचे आया तब देखो कैमरा चालू नहीं कर सकते थे गाइस, काफ़ी ख़राब रास्ता है गाइस। अब ये देखिए अभी इससे आगे जाना है, ये देखो पानी भी हमारे साथ साथ ही चल रहा है गाइस, कृपया करके पानी की आवाज को थोड़ा इग्नोर करना गाइस, आप ना मेरे ब्लॉग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं गाइस, मैं ना गाइस आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा हूँ जो ना गाइस आपको ना सिर्फ अपने इंडिया में तो कहीं हैगी भी नहीं, होगी भी नहीं, क्योंकि ये सीन सारे गाइस, एक तो गाइस आपको इंडिया में सिर्फ उत्तराखंड में मिल सकते हैं,
अरे केरल महाराष्ट्र साइड गाइस, अपने एमपी में आपको ऐसे बीच दिखा रहा हूँ गाइस। ये गाइस ये सारे बीच ना गाइस अपने इंडिया के बाहर के हैं। आप गाइस ब्लॉग को शेयर कीजिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, और आप व्यू देखिए, मैं भी आपको बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ गाइस। वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए गाइस, हमारी बनके की फैमिली को जल्द से जल्द कम्प्लीट कीजिए गाइस। और आप व्यूज़ देखना, अभी काफ़ी दूर से पानी आ रहा है, हम पानी के सारे सीधा रास्ते चले जा रहे हैं पानी के रास्ते पर, तभी आप देखें ऐसे व्यूज। बोलो ये देखो, अभी हम पानी के सारे अभी हम सीधा जा रहे हैं। आप ब्लॉग को शेयर तो कीजिए, फिर आप देखिए, देखो यहाँ पर गाइस हमको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी एनीथिंग। ये देख नेचर का सामना जी, काफ़ी अमेजिंग चीज़ है यार गाइस, यहाँ पर देखने में गाइस काफ़ी अच्छा लगता है गाइस, काफ़ी तक हैं गाइस यहाँ पर आकर। तो ऐसे ग्वालियर से मात्र 30 किलोमीटर दूर है गाइस, आप सिर्फ वाटरफॉल तक ही आना, आप ऐसे अंदर एक्सप्लोर करने मत आना, रास्ता भी काफ़ी कठिन है अंदर आने के लिए, और आप पहुँच भी नहीं पाओगे यहाँ तक, काफ़ी मतलब कि काफ़ी सारा ऐप करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम तो इंडिया के बियर ग्रिल्स हैं ही। आज मज़ा ही आ गया, ये देखिए कितनी बसी हुई है, मार आराम से उतर सकते हैं इससे। ये देखो यार, क्या चाहिए इसके अलावा आपको, कुछ और चाहिए गैस? ब्लॉग ये भी काफ़ी लंबा हो सकता है गैस, कंप्लीट सूट लेना पड़ेगा गैस, कहीं पे भी कुछ भी मिल सकता है यहाँ पर हमको, वह सूट तो उसके लिए कंप्लीट लेना पड़ेगा ना। ये देखो छोटी छोटू से वाटरफॉल हैं ये, देखते चलो आप। और यहाँ पे गाइस वाटरफॉल भी काफ़ी अच्छा, आ गए हम इंडिया के अमेजोन में। ये देखो यहाँ पर काफ़ी सर्वाइव करना पड़ता है चलने में भी, अभी तो हम सीधा चलते जा रहे हैं, कुछ नहीं बस चलते जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या मिलेगा। होगा आप नेचर का साउंड सुन सकते हैं, देखिए जैसे ही। तो गैस अभी हमने करीब से करीब 15 मिनट का पावर नैप लिया था गैस, हम यहाँ पर रुके थे थोड़ी देर आराम के, काफ़ी थक चुके थे गैस यार, चल चल कर गैस, पानी तो गैस अभी हमारे साथ चल रहा है, और हम भी गैस सीधे चले जा रहे हैं पानी के साथ साथ, पर देखते हैं अभी आगे हमको और क्या मिलता है, तो चलिए चलते हैं। बाकी इसका भी स्टोरेज बोलो गया तो लैपटॉप में पूरा डाटा डाला था, ज़्यादा स्टोरेज नहीं है यार इसमें। चलो मैं अभी आपको बैक साइड देखो गाइस, वो रास्ते यहाँ से कितने मोस्ट डेंजरस तो नहीं कहूँगा गाइस, ये जंगल ना गाइस नॉन स्केपेबल वो है जगह, यहाँ से स्केप करना काफ़ी मुश्किल है, निकलना इम्पॉसिबल है यहाँ से, अगर आगे अगर आप आगे फंस चुके हो निकलना इम्पॉसिबल है, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ भी नहीं पता, ये देखिए देखिए कभी देखिए पानी की तरफ और आ गए, देखना सीधे जो गाइस हम अपने लैपटॉप में डाटा डाल रहे थे ना, तो गाइस करीब 2-3 स्नेक एक साथ थे यहाँ पर पानी में, चले गए कैप्चर नहीं कर पाए उनके शॉट्स को हम। आ ही नहीं सकता था गाइस उनका शॉट। ये देखो गाइस पानी कितना अमेजिंग लग रहा है यार, ये देखते जा, ये देखिए गाइस रास्ते काफी खतरनाक डेंजर हो चुके हैं गाइस, गाइस पानी कहाँ तक जा रहा है, ये तो चला जा रहा है यार, हाँ जंगली मशरूम, जंगली मशरूम गाइस, पानी देखना यार कितना अच्छा है, ये देखो यहाँ के बंदरों ने कभी मतलब इंसानों को नहीं देखा है, ये भी यहाँ पे आदि मानव को ही देखते आ रहे हैं, काफी चिल्ला रहा है यार, दूर से आए हैं। ये देखो ऐसे निकलना भी यार इम्पॉसिबल हो जाता है, ये देखो क्या हो गया, नो
ऑन स्किप। देखते देखते हम दूसरी तरफ भी आ चुके हैं। ये देखो पानी को छोड़े आगे देखते हैं। ऐसा अगर हम ऊपर अगर अपन सीधा हम हमारी बैक की तरफ पहुंचते हैं तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं। देखो गाइस आगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। ऐसा व्यूअर्स इतना देख कर समझ आ तुम यार कि काफी हॉन्टेड प्लेस, मतलब हॉन्टेड ना ने काफी स्कैरी प्लेस पर, स्कैरी भी नहीं है, काफी डेंजर डेंजर है गाइस। ये देखो ऊपर ऊपर तक वो पहाड़ आप देख पा रहे होंगे। बस यार अपने पास ना सराइविंग गियर्स भी नहीं है। और वो काली पानी यहां से मतलब नीचे गिर रहा है ऐसा लग रहा है। वहां से आ रहा है वो पानी मुड़ रहा है। अब इस पानी की ओर आ रहे थे ये पानी तो गाइस ये देखो किसी और तरफ से और भी पानी आ रहा है। ये देखो जैसा कि आप देख सकते हो समर भाई वहां पर अभी पहुंच चुके हैं। ये देखो यार काला दिन कहां रे तारे हैं। नहीं नहीं जानवरों के लिए भरा रहता है इसलिए कर दिया ये। तो आप तो व्यू चेक करो यहाँ के। ये देखो गाइस ये तो कुछ भी नहीं है अभी आपको ऐसा वो दिखाया था मैंने अभी। ये देखो यार काफी दूर तक गया और बहुत ही ज्यादा पानी भरा हुआ है यार पहले की तरह गाइस उससे भी अमेजिंग। तो गाइस ताबड़तोड़ गाइस इतना अच्छा व्यू पॉइंट है गाइस इतना अमेजिंग लेक है गाइस काफी दूर तक गया हुआ है गाइस देखने में इतना अच्छा लग रहा है कि आप देखते रह जाओगे काफी अच्छा दूर दूर तक। देखिए चलिए तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यार इतने दूर तक। ये देखो यार ये देखो वैसे आपके सामने से ये लंगू रहे यहाँ पे काफी ज्यादा इन्हें बैठे हुए हैं। ये देखिए आप बहुत रास पास से भी हाँ एनाकोंडा वाली फिर तो आ रही है एनाकोंडा यहाँ पे कहीं पे मिल सकता है। अरे यार ये देख ये टूटी हुई पड़ी है रुक जा बिना मत करे निकली आएंगे जो फिर आता आराम से निकला। ये देखो बस काफी अमेजिंग व्यू पर आ गए अभी आप देख ना आगे जाते आ रहे हैं इसमें बहुत बड़ा खाली मिल जाएगा रास्ता चलते चलो। जगह जगह पर उनकी बामीज बनी हुई है देखिए भी क्या है चलो चलो यहाँ से आ जाओ ना चलो
शत्रु से जाना पड़ रहा है। क्या है, बच गया मेरे ने आँख में चला गया होता। पहुंच गए यहाँ पे भी लंग।